हेलो दोस्तों, आरके टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मेरे पास एक इंटेक्स कंपनी का होम थिएटर है। इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, इसका जो बेस है वो तो सही से वर्क कर रहा है, लेकिन इसका ट्यूटर जो है वो बज नहीं रहा है। तो आज हम इस प्रॉब्लम को रिपेयर करेंगे। आप लोगों को सबसे पहले प्रॉब्लम को चेक करके दिखला देता हूँ। तो पहले मैं यहाँ से वॉल्यूम को ऑन करता हूँ, तो इसका जो बेस है वो चल रहा है। तो ये देख सकते हो, जो इसका बेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, लेकिन जैसे ही इसका ट्यूटर को अगर मैं फंसाता हूँ तो इसके ट्यूटर में क्या है, बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे फंसा कर देखता हूँ, तो ये देख सकते हो इस पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा है। और मैं चारों में इसको फंसा कर देख रहा हूँ, इस पर कोई भी में आवाज़ नहीं आ रहा है। तो आज हम इस प्रॉब्लम को रिपेयर करेंगे। तो वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, बहुत ही आसान तरीके से इस पर क्या क्या प्रॉब्लम ऐसे आता है आप लोगों को बताऊँगा और सिखाऊँगा। तो दोस्तों चलो वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसका पीछे का बोर्ड जो है उसको खोल लिया है। अब इस कंडीशन में हमको सबसे पहले इसका जो IC पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको चेक करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले जो मल्टीमीटर है उसको DC 20 वोल्टेज पे सेंड करता हूँ यहाँ पे, और एक वायर को मैं कॉमन करता हूँ ग्राउंड। और उसके बाद हम जो IC जो आप लोग देख सकते हो, इसमें 3 IC है, एक बेस के लिए है और 2 ट्यूटर के लिए। तो मैं बारी बारी इस पे वोल्टेज चेक करता हूँ। तो मैंने इसका एक टर्मिनल को मैंने कॉमन कर लिया है, ये देख सकते हो। अब चलो हम इसका यहाँ पे हमारा ये वाला पिन और ये वाला पिन में हमको 15 वोल्टेज प्लस और 15 वोल्टेज माइनस के करीब आसपास आना चाहिए। तो सबसे पहले ये देख सकते हो इसमें हमारा 15 वोल्टेज प्लस आ रहा है, आप लोग मल्टीमीटर पे देख सकते हो। और उसके बाद इसका जस्ट साइड वाला पिन में इस पर हमारा माइनस वोल्टेज आता है। तो इस पर हम देखते हैं, तो इस पर हमारा 15 वोल्टेज माइनस आ रहा है, मतलब इस IC पे वोल्टेज आ रहा है। और इस IC पे देखते हैं हम, तो इस IC पे मैं इसको ग्राउंड को ग्राउंड ही पे रखूँगा। और इस इस पे भी आप लोग देख सकते हो इस पे 15 वोल्टेज प्लस आ रहा है। और इस तरफ देखते हैं हम ये इस पार का, तो इस तरफ भी हमारा 15 वोल्टेज माइनस आ रहा है, मतलब मेरा IC का वोल्टेज है वो परफेक्टली सभी IC में आ रहा है। और हमारा बेस वाला पे भी देख लेते हैं एक बार चेक करके, तो मेरा बेस वाला IC पे भी हमारा वोल्टेज आ रहा है। तो अब क्या करें इसमें, मतलब हमारा IC पे वोल्टेज आ रहा है, मतलब हमारा IC पे अभी वोल्टेज आ रहा है, ये कंफर्म हो गया। अब हम IC किस तरह चेक करेंगे, तो IC चेक करने का सबसे बहुत ही आसान तरीका, आप लोग एक स्पीकर लेना, उसके बाद जो भी हमारा एक टर्मिनल है उसको ग्राउंड कर लेना स्पीकर का। तो ये स्पीकर का वायर है और मैं इसका एक टर्मिनल को ग्राउंड कर लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे क्या हमारा IC ख़राब है कि चालू है वो पता चल जाता है। तो मैं इसका स्पीकर का एक टर्मिनल को ग्राउंड कर लेता हूँ यहाँ पे, और ये देख सकते हो मैं स्पीकर का एक टर्मिनल को क्या है ग्राउंड कर लिया है। और उसके बाद जो हमारा IC का ये वाला पिन रहता है, ये हमारा आउटपुट रहता है, ये वाला पिन देख सकते हो आप लोग, ये हमारा आउटपुट रहता है। तो ये मेरा बेस वाला IC है, तो बेस वाला IC तो ओके है। तो मैं आप लोगों को एक बार कंफर्म इसका आउटपुट चेक करके दिखला देता हूँ। तो ये मैं पहले चालू IC पे दिखला रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को ख़राब IC पे चेक करके दिखलाऊंगा। तो ये देख सकते हो मैंने इस पे लगा दिया। अब उसके बाद जस्ट हमारा जो मैंने 15 वोल्टेज माइनस और 15 वोल्टेज प्लस चेक किया था, उसका ये देखो ये लास्ट पिन, ये वाला पिन में क्या है, अगर मैं इसको टच करूँगा तो इस पे ये साउंड करेगा, मतलब ये हमारा इनपुट है, साउंड इनपुट। अगर मैं इस पे टच करता हूँ इस तरह, तो इस पे ये साउंड करेगा, मतलब ये देख सकते हो जो हमारा स्पीकर है वो साउंड कर रहा है, मतलब ये इससे हमको क्या पता चल रहा है कि ये IC पूरी तरीके से ओके है, मतलब इस पे क्या है हमारा साउंड आ रहा है, तो ये IC हमारा पूरे तरीके से ओके है। तो ये तो हमारा बेस वाला IC पूरे तरीके से ओके पहले से ही है। अब चलो हम इसी तरह ये दोनों IC पे टच करके देखते हैं कि हमारा IC ओके है कि ख़राब है। तो पहले यही करते हैं, तो ये वाला हमारा टर्मिनल क्या है, आउटपुट टर्मिनल है, तो हम इस पे जोड़ते हैं। तो मैं इसको जोड़ता हूँ अच्छे से, तो इस तरह मैं इस पे जोड़ लेता हूँ यहाँ पे, ये देखो। अब देखो मैंने इस पे टर्मिनल पे क्या है, मैंने जोड़ दिया है। अब क्या करना है हमको, वही यहाँ पे जो मैं टच किया था वो वाला पिन को, इस पे भी ये वाला पिन को मैं टच करूँगा। तो ये देखता हूँ मैं टच करके, तो ये देखो इस पे मैं टच कर रहा हूँ तो इस पे कोई साउंड नहीं आ रहा है।
तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आईसी है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया। अगर ये आईसी चालू होता तो इस पर अगर मैं टच करता तो ये मेरा स्पीकर पे साउंड आता। तो अब क्या करते हैं, इसी तरह मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ और उसके बाद क्या करेंगे, हम आईसी को चेंज करके एक बार फिर से इसी तरीके से हम लोग इसको चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ, तो मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे। अब देखते हैं मैं आईसी को चेक करके, तो ये देख सकते हो इस पर कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, मतलब मेरा आईसी जो है वो दोनों आईसी पूरे तरीके से डेड है। अब क्या करेंगे, हम इसको बंद कर देते हैं और ये दोनों आईसी को हम लोग डिसोल्डर वायर के मदद से हम इसको निकाल लेंगे। तो पहले मैं ये वाला सोल्डरिंग किया हूँ उसको निकाल लेता हूँ। अब चलो हम इसको पेस्ट वगैरह लगा कर अच्छे से डिसोल्डर वायर की मदद से हम इसको आईसी को बाहर कर लेते हैं, उसके बाद आईसी लगा के हम लोग चेक करेंगे। तो मैं इसको अच्छे से पेस्ट वगैरह लगाता हूँ और इस आईसी को बाहर निकालता हूँ। तो आप लोग इस तरह इसको निकाल लेना। तो ये देख सकते हो मैंने डिसोल्डर वायर की मदद से इसका जो रंगा है उसको खींच लिया है। अब चलो हम इसको पेचकश की मदद से इसको बहुत ही आसान तरीके से आईसी को खोल के देखते हैं। तो आप लोग इस तरह इसको खोल लेना बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देखो मेरा आईसी को मैं बाहर निकालता हूँ, तो ये थोड़ा चिपका हुआ है। चलो मैं इसका इस तरफ करके इसको अच्छे से, तो ये देख सकते हो मेरा आईसी को मैंने खोल रहा हूँ। तो इसका आईसी को अच्छे से खोल लेते हैं हम लोग। तो आप लोग देख सकते हो इसका आईसी कुछ इस तरह है और इस पे बहुत ही ओरिजिनल आईसी है। इसका जो प्रिंट वगैरह है वो अभी भी हटा नहीं है और ये वाला आईसी है वो पूरे तरीके से जल गया है और एक आईसी हमारा ओपन है। तो हम ये आईसी को पहले इसका नंबर को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो नंबर का हमारा आईसी निकला है वही नंबर का हम लोग डालेंगे। तो मैं इसको पेपर को इसको घसूंगा तो इस पे नंबर लिखा होगा तो वो दिख जाएगा। तो देख सकते हो ना मैं इसका पेपर को घस लिया है और इसका आईसी का नंबर आप लोग बहुत ही आसान तरीके से आप लोग देख सकते हो। इसका जो आईसी का नंबर है वो हमारा 20-30 है और हम इस पर 20-30 ही आईसी लगाएंगे। और आप इस पर 20-50 भी लग जाते हैं लेकिन 20-50 मत लगाइए, इस पर जो नंबर हमारा लगा हुआ है वही नंबर लगाएंगे। क्योंकि क्या है, जो 20-50 आईसी आता है उसका जो एम्पियर रहता है वो थोड़ा ज़्यादा एम्पियर का रहता है, तो हम 20-30 ही आईसी लगाएंगे। तो मेरे पास 20-30 आईसी अभी है तो हम ये वाला आईसी लगाएंगे। ये देख सकते हो मेरे पास 20-30 आईसी दो पीस रखा हुआ है। तो चलो हम फिर आईसी लगा के देखते हैं कि आखिर हमारा प्रॉब्लम है वो हटा कि नहीं। तो चलो मैं इसका आईसी को लगाता हूँ। तो इस तरह हम इस पे लगा लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से लग जाता है ये। तो इस पे मैं इस तरह लगा लेता हूँ इसको अच्छे से। तो ये देखो इस पे मैं स्क्रू वगैरह कसता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इस पे मैंने नट कस लिया है। अब चलो हम इसका जो पीछे का कवर है उसको हम लोग सोल्डिंग कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको सोल्डिंग करता हूँ और आगे आप लोगों को दिखलाता हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से सोल्डिंग कर लिया है। अब हमको क्या करना है, जो सोल्डिंग है उसको साफ करना है पेट्रोल या फिर थिनर। तो मेरे पास अभी पेट्रोल है तो मैं पेट्रोल से इसको अच्छे से साफ कर लेता हूँ। इसका प्रिंट को हमको साफ करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि क्या है, इससे क्या है शॉर्ट सर्किट नहीं होता। तो हम इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं इस तरह आईसी के पिन को। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आईसी का पिन है, बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। साफ़ करना हमको ज़रूरी है, तो इस तरह हम साफ़ कर लिए हैं। अब चलो हम इसको टेस्ट करते हैं किस तरह हम उस तरह जैसे पहले चेक किए थे उसी तरह हम लोग फिर इसके स्पीकर के वायर लगाकर हम इसको आईसी को चेक करते हैं। तो चलो हम चेक करते हैं। तो मैंने होम थिएटर को सप्लाई दे दिया है। अब हम मैंने स्पीकर के एक मिरर को कॉमन पे भी जोड़ लिया है, ये देखो। अब चलो हम उसी तरह चेक करेंगे। तो मैं आईसी का आउटपुट में लगाता हूँ दूसरे टर्मिनल स्पीकर का। तो ये हमारा आईसी का आउटपुट है, दूसरा नंबर आईसी का।
तो मैं इस तरह लगाता हूँ। अब चलो हम इसको टेस्टर के मदद से इस पर चेक करते हैं, अगर इस पर घरघराहट आएगा तो हमारा क्या है आईसीओ सही से काम कर रहा होगा। तो ये देख सकते हो क्या है इस पर स्पीकर पे क्या है घरघराहट आ रहा है, मतलब ये जो हमारा आईसीओ ठीक हो गया है, मतलब ये आईसी सही से काम कर रहा है, ओके है। अब हम इसी तरह दूसरे आईसी को भी चेक कर लेंगे। तो मैं यहाँ से सोल्डिंग हटा लेता हूँ और दूसरे नंबर पे क्या है अटैच करता हूँ। तो मैंने दूसरे नंबर पे आईसी को लगा दिया है। अब चलो हम देखते हैं, तो ये देख सकते हो जो हमारा स्पीकर का साउंड है वो आ रहा है, तो मतलब ये हमारा क्या है ये भी आईसी हमारा ओके है। अब चलो हम इसको फिट करके इसका साउंड क्या है, साउंड में इसका पिन वगैरह सॉकेट वगैरह में आ रहा है कि नहीं उसको चेक करते हैं। तो मैं इसको पहले खोल लेता हूँ और उसके बाद इस पर साउंड वगैरह प्ले करके आप लोगों को दिखलाता हूँ। तो चलो हम इसका टेस्टिंग कर लेते हैं। तो मैं इससे पीछे तरफ से वॉल्यूम इसका खोल लेता हूँ। तो इस तरह मैंने इसका वॉल्यूम खोल लिया है। अब चलो हम इसका पिन लगा कर देखते हैं, अभी बेस आ रहा है बस ओनली, तो इस पे लगाते हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग इस पर साउंड क्या है आ रहा है अभी। तो ये देख सकते हो इसका सभी पिन में साउंड आ रहा है, ये इसका इनपुट पिन है, ये दोनों में नहीं आ रहा है, बाकी ये चारों पिन में आ रहा है। ये देख सकते हो यहाँ पे लगाता हूँ मैं, तो यहाँ पे भी मेरा साउंड आ रहा है। तो इस तरह हमने इस होम थिएटर को रिपेयर किया है और आप लोगों ने देखा कि कितने बहुत ही आसान तरीके से हम लोग किस तरह इसको रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।